फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आई एम योर टीचर फरहारिफ। स्टूडेंट, हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन से। सबसे पहले एक डेसिमल नंबर लेते हैं जिसका हमें इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिया 984। ये हमारा एक डेसिमल नंबर है और हमें इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट करने का तरीका वही होता है जो हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का होता था। हम सबसे पहले नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्टल नंबर की जो बेस होती है वो 8 होती है, इसलिए हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे रिमाइंडर वैल्यूज़ आएंगी उनको हम राइट साइड में राइट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीज़न, 8 से डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 1 8 8 2 16 8 3 24। नंबर हमारा पूरी तरह डिवाइड हो गया है तो हमारा रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0। अगेन इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 8 से। हम नंबर को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो नंबर पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाता है। तो फिर से हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 1 8 और 8 5 40। तो अब हमारे पास रिमाइंडर बचा 3। फिर से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा हो जाएगा 8 1 8 और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो हमारा जो ये ऑक्टल नंबर था इसका इक्विवेलेंट, जो हमारा ये डेसिमल नंबर था इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हमारा ये फाइंड आउट हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी में भी आंसर लिखने का तरीका आपका होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 7 3 0। तो हम लिखते हैं 1 7 3 0। ये हमारा एक ऑक्टल नंबर है इसलिए इसकी बेस 8 होगी और ये इक्विवेलेंट था 984 के, जो कि हमारा कैसा नंबर था, एक डेसिमल नंबर था। तो ये था तरीका डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में फाइंड आउट करने का, कन्वर्ट करने का। अब हम एक और ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर लेते हैं जिसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 6 2 3 9। ये हमारा एक डेसिमल नंबर है और हमें इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं 6 2 3 9। इसको भी हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 8 से तो ये जाएगा 8 7 56। अगेन 8 7 56, देन 8 9 72। तो रिमाइंडर हमारा बच गया 7। फिर डिवाइड करेंगे हम इसको 8 से तो हमारा हो जाएगा 8 9 72 एंड 8 7 56। और फिर रिमाइंडर हमारा बच गया 3। फिर से डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को 8 से तो हमारा आ जाएगा 8 1 8 और 8 2 16। तो हमारा रिमाइंडर बचा 1। फिर से हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा 8 1 8 और हमारा रिमाइंडर बच गया 4। अगेन हमारा राइट करने का तरीका वही होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 4 1 3 7, 1 4 1 3 7, जो कि है हमारा एक ऑक्टल नंबर। और ये किसका इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है 6 2 3 9 के, जो कि हमारा था एक डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन प्रॉपर वे में समझ आया होगा। चलिए अब सीखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हम एक ऑक्टल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 2 0 4 6 7, ये एक ऑक्टल नंबर है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी डिजिट्स मैंने ली हैं वो सारी 0 से 7 के बीच के डिजिट्स हैं। ये हमारा एक ऑक्टल नंबर है, हमें जिसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन भी हमारा वैसे ही होता है जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिजिट को राइट कर लेते हैं 2 0 4 6 7। उसके बाद हम एक सीरीज बना लेते हैं नंबर्स के ऊपर, जो सीरीज हमारी 0 से स्टार्ट होती है और जो हमेशा राइट टू लेफ्ट क्रिएट की जाती है। तो सीरीज स्टार्ट क्रिएट करते हैं हम 0 1 2 3 4। अगर हमारे आगे और नंबर होते तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती। तो अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्टल की बेस 8 होती है, इसलिए हम इन नंबर्स को 8 की इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 into 8 to the power, 2 के ऊपर कौन सा नंबर है, 4, तो हम लिख देंगे 4 प्लस 0 इंटू 8 to the power, 0 के ऊपर है हमारा 3, तो ये 3 यहाँ 8 की पावर में आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 की पावर 2। ऐसे ही हम लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 into 8 की पावर 1 प्लस 7 into 8 की पावर 0। अब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 8 की पावर 4 होता है हमारा 4096 प्लस, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन है, तो हम डायरेक्टली 0 लिख लेते हैं, प्लस 4 into 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 प्लस 6 into 8 हो जाएगा, प्लस 7 into 8 की पावर 0 हो जाएगा 1। अब इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 4096 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2918 प्लस, जब 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 5 2 प्लस 6 8 सा होता है हमारा 48 प्लस 7 1 सा 7। अब इन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 5 8, ये आ गया हमारा एक डेसिमल नंबर। ये है हमारा आंसर। ये डेसिमल नंबर जो है हमारा 8503, ये इक्विवेलेंट है ऑक्टल नंबर 20467 के। तो स्टूडेंट, आई होप ये सिंपल सा वे था तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से हम एक और कन्वर्जन भी कर लेते हैं। तो पहले एक कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 1 7 2 6, ये हमारा एक ऑक्टल नंबर है और हमें इसका इक्विवेलेंट
डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 7, 2, 6 हम फिर से जैसे हमने सीरीज़ यहाँ पे बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। तो सीरीज़ का नंबर होगा 0, 1, 2, 3। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 8³ + 7 × 8² + 2 × 8² 1 + 6 × 8² 0। चलें अब कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 × 8³ होता है हमारा 512 + 8² होता है 64 प्लस ये हो जाएगा 2 × 8 प्लस ये हो जाएगा 6 × 1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स को तो 512 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 512 ही हो जाएगा प्लस जब हम 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 844 + 2 × 8 = 16 + 6 × 1 = 6। अब इन नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं तो इनको ऐड करने पे आ जाएगा 2, 8, 9। तो ये जो हमारा नंबर आया 982 ये हमारा एक डेसिमल नंबर है जो इक्विवेलेंट है 1, 7, 2, 6 के जो कि हमारा था एक ऑक्टल नंबर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज के इस वीडियो से डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कन्वर्जन को सीखेंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे।